हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मैक्सवेल कोचिंग में स्वागत है। मैं इंजीनियर हरकेश सर, आज आपको मैथ क्लास ली जाएगी जिसमें आप पार्ट वन है और पार्ट वन में आपको टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम। जैसा कि अभी तक आप लोगों का क्लास चल रही है अदर सब्जेक्ट की, आज से मैथ कंटिन्यू चलेगा और बेहतर यही रहेगा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, पूरा रहेगा और एक एक क्वेश्चन बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जाएगा और सारे क्वेश्चन हर टाइप के कवर किए जाएंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं वर्क एंड टाइम। बेसिकली वर्क एंड टाइम होता क्या है, जैसे आपको बताया जाए, कोई बंदा ए है और बी है, किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये टाइप वन में क्वेश्चन इस तरह पूछता है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। दो मेथड बताऊंगा, एक बेसिक मेथड होगा और एक ट्रिकी मेथड होगा, जो कि आप क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी एक मैंने ऐसे आपको बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को किया जा गया है और कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि कोई ए बंदा है एक्स दिन में कर सकता है और बी है उसी काम को वाई दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए फंडा होता है, सिंपल सी बात है, वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई। अगर दोनों मिलकर किया जाए, अगर पूछा जाएगा कि कितने समय में कर सकते हैं, तो समय निकालने के लिए हम बता सकते हैं यहाँ पर वन अपान में वन अपान एक्स प्लस वन अपान में वन अपान वाई। यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x इंटू वाई अपान में x प्लस वाई हो जाएगा, यही हमारा वो दिन निकल के चला आएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। पहला, अगर मैंने बोला क्वेश्चन फर्स्ट, a जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और b उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो सिंपल से क्या करना है, इसी फार्मूले में रख देना है और मुझे दिन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, बोला है 10 इंटू 15 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस वाई, मतलब यहाँ पर ये x, समझो x वाला है ये y है, लेकिन ये अप्लाई कब होगा, जब सिर्फ दो बंदे होंगे या दो लोग होंगे तभी ये फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 10 प्लस 15 आपका यहाँ पर 150 ऊपर आएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 25 से इसको हम लोग काट भी सकते हैं। तो ये कितने टाइम्स आएगा, 25 6 जा कितना होगा 150, तो यहाँ पर इतने दिन में काम पूरा हो सकता है। और दूसरा मेथड इसमें ये है, सेकेंड मेथड ये है जो कि सभी को पढ़ना चाहिए, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में होता क्या है, सिंपल सी बात है, अभी आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये बुक वाली है, जो मेरा फंडा है और भी अलग जो लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट होता है और इसी को अप्लाई करना भी चाहिए। एलसीएम मेथड इसलिए अप्लाई करना चाहिए, अभी तो जैसे दो लोग हैं तो हमने इस फार्मूले को यूज करके देख लिया, बट अगर दो से तीन हुए, चार लोग हुए, पांच लोग हुए, तब ये काम नहीं करेगा, काम करेगा कौन, एलसीएम मेथड। तो आइए इसी का हम लोग एलसीएम मेथड पे देखते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को,
ए जो है 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, यहां पर दिन हो गया। और एलसीएम मेथड 10 और 15 का एलसीएम मेथड निकालना है। एलसीएम क्या होगा, सबसे एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो जो लीस्ट वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहां पर मैंने कर दिया क्या, 30 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 30 10 और यहां पर 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। तो यहां पर क्या करना है, एलसीएम हमारा आ गया 30। और ये जो 30 होता है ये टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। सपोज समझिए कि ये 30 ईंटें हैं, 30 ईंटें हैं, और ये जो है अगर ये 30 ईंट को बिछाना है कहीं पर, तो ये 10 दिन करता है ए, और ये 30 ईंटों को जो है अगर बी काम करता है तो उसको 15 दिन लगते हैं। अगर वो यहां पर देखा जाए कि एक दिन कितना लगेगा, जैसे मैंने बोला कि ये 3 और यहां पर 2, एक दिन में जो है अगर ये बी बोला जाए कि एक दिन में वो कितनी ईंटें बिछा पाएगा, तो आप बताओगे 2 ईंटें। अगर ए की बात करेगा तो वहां पर एक दिन में कितने ईंटें बिछा सकता है, 3 ईंटें। तो ये एक तरह से इसकी क्या हो जाती है, ये एक दिन की एफिशिएंसी है कि एक दिन पे उसकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है। देखिए सारा डिपेंड करता है उसकी क्षमता पर। क्षमता का मतलब क्या होता है समझिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। जैसे दो लोग हैं, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, उसको जो है कम समय लगेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय क्या है, ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो आप लोग जानते होंगे कि अब जिस यहां पर देखना है इफिशियंसी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। देखो इफिशियंसी जिसकी ज्यादा है उसको यहां पर देखिए, उसका समय क्या हो रहा है, यहां पे कम लग रहा है। जिसकी इफिशियंसी कम है उसका यहां पर दिन क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस टोटल वर्क को अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल वर्क जो होगा हमारा, टोटल वर्क यहां पर है 30, और दोनों मिलकर जो है यहां पर दोनों मिलकर उनकी एक दिन की जो एफिशिएंसी होगी, एक दिन की एफिशिएंसी हमारी टोटल कितनी है, 3 + 2 मतलब यहां पर 5 है। तो यहां पर हमारी एफिशिएंसी होता है ऐसे, अगर दोनों मिलकर यहां पर समय निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, और यहां पर एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 5 से यहां पर निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 डे आ जाएगा। देखिए उस फार्मूले से भी 6 डे आया था, और यहां पर देखिए एलसीएम मेथड से भी आया था। तो आइए दोस्तों अब प्रॉपर एक बढ़िया क्वेश्चन किया जाए। अब आप देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको, 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पे करा दिया जाए, और इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद बेसिक्स सीखते रहिए कैसे अच्छे से क्वेश्चन करना है। आराम से बस ध्यान से देखिए और मन लगाए पूरा वीडियो देखिए, और लाइक्स सब्सक्राइब शेयर भी करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख ही रहा है, ए आदमी है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, ये दिन हो गया आपका, और बी 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर बताना है आपको दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड बताया है, फार्मूले से करना हो तो फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने पूरा समझाया है, नहीं तो एलसीएम मेथड दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्षमता निकालेंगे, ये क्षमता जो होती है एक दिन की क्षमता होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं जो एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। अब एलसीएम इन दोनों का आएगा कितना, 20 और 30 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, जैसे ये संख्या है इजी है, आराम से निकाल जाएगा एलसीएम आपका, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आराम से नहीं निकलता, तो उसको क्या करना है, 20 का मल्टीपल करते जाइए और 30 का मल्टीपल करते जाइए, एक संख्या ऐसी होगी जो दोनों से कॉमन मिलेगी। तो
तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका दोनों को निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। और ये 60 क्या होगा, कुल कार्य हो जाएगा, जिसे बोलेंगे टोटल वर्क बोलेंगे। और क्षमता हमारा यहाँ पर देखो ये क्या होगी, हमारी एक दिन की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पर क्या करेंगे, 20 60, मतलब यहाँ पर ये जो 3 होगा, वन दिन मतलब वन डे का ये एफिशिएंसी होगा, मतलब एक दिन की क्षमता होगी। और 32 हमारा होता है 60 होता है, तो ये एक दिन की बी वाले की क्षमता है और एक दिन की ये ए वाले की क्षमता 3 है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है, ए बी दोनों हैं, टोटल वर्क हमारा क्या होता है 60 है यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों की क्षमता दोनों मिलकर जब करेंगे एक दिन की क्षमता क्या होगी, उसी से भाग दे देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 होगा इन दोनों का, ठीक है। तो सिंपल से बात है, यहाँ पर कितना आएगा, 12 डेज हो जाएगा, या 12 दिन में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया, जहां पे किसी को दिक्कत हो बताए। क्वेश्चन नंबर आइए 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई काम को, कोई भी काम हो, अभी काम मुझे नहीं पता, जब काम पता होगा किसको करना होगा वही तो हम लोग करना चाहते हैं। अब मैंने बोला कि किसी काम को ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ पर दिन है ए बी सी का 10 दिन 12 दिन और 15 दिन का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों के एलसीएम हमारा आएगा 60, और ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। और यहाँ पर मुझे निकालना है एक दिन की एफिशिएंसी, यहाँ पर एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक दिन की एक एफिशिएंसी होगी 6, और बी की एफिशिएंसी होगी 5, और सी की एफिशिएंसी एक दिन की होगी 4। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर मैंने बोला कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, अभी तक तो हमें कंप्लीट वो कार्य नहीं पता था। अब ये 60 यूनिट कोई है, सपोज ये 60 यूनिट कोई कार्य है, और मुझे बताना है कि अब जब ये तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी काम होगा, कैसे काम होगा वही चीज़ मुझे निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में वही दिया गया है, तो ये तो बता दिया है कि अगर ए अकेला उसी काम को करता है तो 10 दिन लगता है, बी अकेला उसी काम को करता है तो 12 दिन लगता है, सी उसी काम को करता है तो 15 दिन लगता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को करें तो कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल वर्क होगा और जो एक दिन की इन तीनों की एफिशिएंसी होगी उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60, और इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 15 हो गया, ठीक है। अब ये 15 हो गया, वन डे की एफिशिएंसी है इन तीनों की, तो हो जाएगा कितना, 15 4 60 होगा, तो ये 4 डे में ये क्या हो जाएगा, कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह देखिए फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अमन दो बंदे हैं, अमन है और मोहन, अमन और मोहन, अमन और मोहन, क्वेश्चन में आपके यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर बोला गया है अमन और मोहन किसी काम को 8 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं एक साथ। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है एक साथ करते हुए दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां पर सिंपल सी बात है, कह रहा कि दोनों जो है जब एक साथ कार्य करते हैं तो उसके कार्य को दुगने दुगने दिन में कितना करेंगे।
तो सिंपल सी बात है, उस दुगने वर्क को, उसको वर्क क्या करना है, दुगना कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया है। तो एलसीएम हमारा जो होगा यहां पर 80 होगा, एलसीएम हमारा टोटल वर्क पता चल जाएगा यहां पर, और एक दिन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो यहां पर एक दिन की एफिशिएंसी होगी, सिंपल सी बात है, आप यहां पर इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहां पर क्या होगा 10 और इसका क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहां पर वन डे की एफिशिएंसी निकल जाएगी, एफिशिएंसी मींस क्षमता, यहां पर ये हमें पता चल जाएगा इस तरह से। और इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें एक दिन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, ये 18 आ जाएगा और टोटल वर्क यहां पर है ही। तो यहां पर पूछा गया गया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा, आंसर कुछ और गलत मत करिएगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, अब यहां पर इस हिसाब से देखा जाए कि अमन और मोहन को एक साथ काम किया जाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन वन डे की एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लिया तो इसको हम लोग 2 से काट दिए तो 40 अपान में 9 आ गया, ठीक है। और पहले इन दोनों मिलकर काम जो करेंगे वो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो अगर यहां पर और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो सकता है, 40, 9 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 9 को कितने टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो यहां पर 4, फिर इसके बाद यहां पर कितना बचेगा, 4 अपान में 9, इतने दिन में अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंप्लीट होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बोल रहा है कि एक साथ करते हुए दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसके दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर ये हमारे पास ये काम जो आया है इसमें जो है कह रहा है इसके दुगने कार्य को, तो अभी इससे सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो इसको हम लोग यहां पर ये ना बताकर, बताना क्या है आपको, बताना क्या है कि इसके दुगने मतलब यहां पर 40 में क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 अपान में 9, ये जो है हमारा आंसर होगा। कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये यहां पर आ जाएगा 18 अपान 9 डेज या दिन, इतने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है, ए एक काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 36 दिन में 36 डेज में पूरा करता है, तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है 2/3 काम मतलब 2/3 काम पूरा करने में वे कितना समय लेंगे, यह क्वेश्चन है आपका। तो सिंपल सी बात है, अभी जैसे हम लोग काम अभी तक देख रहे थे वैसे करना है और इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। अब उसमें जब बोल रहा है कि 2/3 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो जो काम होगा उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो अभी जो बोला गया है पैरा ए और बी, यहां पर क्या बोला गया है, ए और बी इनका दिन है, ए का काम है 18 और 36, यहां पर 18 दिन में करता है और ये 36 दिन में करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें अभी क्या नहीं पता है, वो कार्य नहीं पता है, वो कार्य मतलब टोटल वर्क नहीं पता है। जब हमें टोटल वर्क क्या कार्य करना है जब यही नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते कितने दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम से निकालेंगे, हमें टोटल वर्क पता करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 18 और 36 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, निकालना आसान है, बताइए सबसे आसान है। तो यहां पर इसमें क्या होगा, 36 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम क्या होगा, 36 होगा, तो यहां पर 2 आया और यहां पर 1 आ गया, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी मैंने बोला था कि ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, कहने का मतलब यहां पर एफिशिएंसी का मतलब यह है यहां पर कि ये 36 काम को अगर वो एक दिन काम करता है, अगर वो एक दिन काम करता है तो वो कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 2 कार्य कंप्लीट कर लेगा। अगर वो बी उसी कार्य को काम करता है तो वो एक दिन में सिर्फ एक ही काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखना है कि अब ये क्वेश्चन बोला है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ए और बी को मिला दिया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो टोटल वर्क अपॉन
वन डे की एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी करना है, तो टोटल वर्क कितना है 36 है, और एफिशिएंसी इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी जोड़ लेना है, यहाँ पर 2 और 1 का जोड़ लोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में, 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आंसर यहाँ पर यही नहीं होता है, आंसर हम बोला है 2/3 काम, 2/3 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब जो ये पूरा कार्य था उसी को जो है 2/3 कर देना, मतलब उसको कह रहा है कि 2/3 काम ही सिर्फ मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसी 12 में क्या करना है, 12 को 2/3 से इसको जो है भाग देना है, इसका काट देना है कि इसका 2/3 कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 से जाएगा, 3×4=12, और ये जो है 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है वही सही है, तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं टाइप टू में क्वेश्चन में देखना क्या है, ये आपका ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे कोई एक काम बंदा कर रहा होता, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद या कोई दूसरा सहायता हेल्प से करता है, या किसी अपने दोस्त को बुला लिया उसके साथ काम कर रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछे भी गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे इजी मेथड से आपको बताएंगे, और दोनों मेथड्स बताएंगे जो बेहतरीन आपको बेस्ट अप्रोच होता वो आपको करके दिखाते हैं। जैसे सपोज आपके क्वेश्चन में है यहाँ पर, यक्स किसी काम को 9 दिन में करता है, और कुछ दिन बाद वो क्या करता है, यक्स किसकी सहायता से, वाई की सहायता से करता है, तो उसको 6 दिन लगते हैं, उसको 6 दिन लगते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वाई सिर्फ उसी कार्य को अकेला करता है तो कितने दिन लगेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को मेथड 1 और 2 से दोनों से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 है, फर्स्ट है सिंपल सा फॉर्मूला जो है आपका x into y अपान में x डिफरेंस हमेशा होता है y, x डिफरेंस होता है, x और y का जो डिफरेंस होगा कभी ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर x माइनस y होगा, ये चीज देखना है, तो इस पे हम लोग मेथड पे रख दिया, तो हमें x इंटू वाई करना है, 9×6 करेंगे अपान में x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे दिन का बात हो रही है, तो यहाँ पे 9 माइनस 6 जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 54 अपान में 3, मतलब यहाँ पर 18 डेज लगेंगे। कहने का मतलब y सिर्फ अकेला कार्य करेगा तो हमें कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूले बेस पे, लेकिन फार्मूला कभी याद नहीं रहता है, बच्चों को एग्जाम में जाते हैं कितने फार्मूला याद करेंगे, आपके पूरे मैथ में आपके अलग वाले सब्जेक्ट में इतने फार्मूले रहते हैं लेकिन फार्मूले कितने याद रखेंगे, तो कभी कभी स्किप हो जाता है। तो हम लोग क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एलसीएम मेथड से इसको देखेंगे, तो इसको मिटा दिया जाए, इसको देख लीजिए समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं मेथड 2 से इसको करके दिखाता हूं। मेथड 2 देखिए इसमें होता क्या है, मेथड 2 में एलसीएम मेथड से ही लेना है, तो यहां पर देखना है कि अब एक दिन की एफिशिएंसी मुझे मिली है 2 होती है, और यहां पर दोनों मिल जाते हैं, इसके एक दिन की एफिशिएंसी 3 हो जाती है, जाहिर सी बात है अभी तक मैंने जो बताया था आपको, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसका समय ज्यादा लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसका समय यहां पर कम लगेगा। तो यहां पर पूछा गया है कि वाई उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जब एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 3 है। मुझे y की एफिशिएंसी पहले पता करना है, क्वेश्चन में ध्यान देना है, मुझे जब तक y की एफिशिएंसी नहीं पता होगी हम नहीं बता सकते कि उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y की एफिशिएंसी निकालेंगे, और यहां पे x की एफिशिएंसी मुझे पता है कि 2 है, और प्लस में y करना है बराबर में 3, और y इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 बराबर में 1, मतलब यहां पर y की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी होगी, 1 होगी। तो मुझे टोटल वर्क पता करना है, यहां पर y को बताना है कि y कितना लगेगा, तो 18 / 1 हो जाएगा बराबर, मतलब 18 दिन
यहां से भी लगेंगे, मेथड टू से भी ऐसे कर सकते हैं और मेथड फर्स्ट से भी वो फॉर्मूले पर रख के कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये भी बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं टाइप टू का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें सिंपल सा कुछ नहीं, अब सबसे बेस्ट जो आपको याद हो वो करिए। यहां पर मेथड फर्स्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। मेथड फर्स्ट से क्या है, सिंपल सा क्या है, आपने सुना ही था, देखा ही था कि फॉर्मूले में क्या था, एक्स इंटू में वाई अपान में एक्स माइनस वाई। जब कोई सन आ जाए उसके साथ हेल्प कर करता है तो उसके साथ में ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो अब यहां पर क्या है, 15 इंटू 9 हो जाएगा अपान में एक्स माइनस वाई, मतलब यहां पर 15 माइनस 9 होगा तो यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यहां पर देखो 3 टू जा 6 हो जाएगा और 3 थ्री जा 9 हो जाएगा, कट गया, और 15 थ्री जा 45 अपान में 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5 इतने दिन में ये कार करेगा, कौन करेगा, लेकिन इसको करेगा कौन, यहां पर उसका बेटा करेगा, मतलब बेटा इसका इस कार्य को पूरा कंप्लीट करेगा जो भी हमारे पास आया हुआ है, इतने दिन इसको कंप्लीट लगेंगे वर्क करने में। ये फार्मूलेस लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी इसको कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से आप लोग अपने आप से लगाइए, देखिए एलसीएम मेथड से कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, पॉज कर लीजिए। हाँ तो ठीक है दोस्तों, आज इतना क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, 7 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग जाइए घर पे एक बार फिर से रिवाइज करिए, लगाइए, और इस टाइप क्वेश्चन जो भी बुक में आपके होंगे उस मेथड से लगाइए। बुक में अलग अलग भी मेथड दिए होंगे, जो आज आपने पढ़ा है मेरे मेथड्स के से उसको लगाइए और देखिए बेस्ट अप्रोच है, और इस पर आपको कभी क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा। कोशिश करिए कि आप जो भी पढ़ते हैं इसको प्रैक्टिस भी करिए ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक तो ठोकिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।